अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम व्यूअर्स ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अच्छा, आज आपके लिए लेके आए हैं एक नई वीडियो, स्विचेस एंड कनेक्टर्स। ठीक है, स्विचेस तो आपको पता ही होगा, स्विच काम क्या करता है। आप घरों में इस्तेमाल कर रहे होंगे, जाहिर सी बात है, फैन ऑन ऑफ करने के लिए, बल्ब ऑन ऑफ करने के लिए, एसी ऑन ऑफ करने के लिए और बहुत सी चीज़ों के लिए। अच्छा, तो उनके साथ कनेक्टर्स भी लेके आए हैं, डिफरेंट उनकी टाइप्स हैं, मैंने मिक्स कर दी हैं। सॉरी, तो ये देखिए, ये कनेक्टर्स होते हैं, अक्सर इसको हम खोल के और तार डालते हैं। अक्सर में ना घर के जो होते हैं ना स्विचेस, जो अक्सर इलेक्ट्रिशियन हजार इस्तेमाल करते हैं, उनमें भी आप कनेक्टर्स मिलते हैं, ऐसे खोल के ना वो उसमें तार डाल के ऊपर से स्क्रू ड्राइवर से उसको टाइट करते हैं, उसके पेच को। तो कुछ कनेक्टर इस तरह से होते हैं, जेट टाइप, क्योंकि उसको लगा के किस जगह ऐसे, उसका अगर मेल लगा हुआ तो फीमेल जाता है, अगर फीमेल वहाँ लगा हुआ तो फिर मेल डालते हैं, इस तरह करके होते हैं। ठीक है ना, तो कुछ कनेक्टर इस तरह होते हैं। ओके, अच्छा, मोलेस कनेक्टर्स आपको पता है, आपके कंप्यूटर्स में, आपके ब्लूटूथ में अलग अलग करे आपका, और होते हैं पावर सप्लाई में बहुत देखने को मिलते हैं, पावर सप्लाई मोलेस कनेक्टर इस तरह के भी होते हैं, इस तरह के भी होते हैं। ठीक है ना, इस तरह के भी होते हैं, और ये भी आपको अक्सर मिल ही जाते हैं इंडस्ट्री में देखने के लिए ना, वहाँ पे हाई एम्पीयर एप्लीकेशन में ना देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये तो आपके हैं ना कनेक्टर्स, आपको उम्मीद है कि क्योंकि बार बार आपको ना तारे जोड़ने की ना जहमत से बचाते हैं ये कनेक्टर, जस्ट आप प्लग इन करें और सो आपका सिस्टम चालू। इसी तरह हम प्लग इन करते हैं इनके थ्रू, ये स्विचेज हैं हमारे। ठीक है, इनकी भी टाइप्स होती हैं स्विचेज की। ठीक है, ये मतलब जस्ट जो सिंपल होता है ना, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ। ठीक है, इसी तरह इसकी भी अलग टाइप होती हैं। ठीक है ना, वो डायरेक्शन चेंज करता है, ये डायरेक्शन चेंज नहीं करता, काम ये भी वही करता है, ऑन ऑफ ऑन ऑफ। ठीक है ना, ये इसी कैटेगरी में आता है। फिर इनकी पिन भी डिफरेंट होती है डिफरेंट कनेक्शन लेने के लिए। तो ये देखिए, ये भी ऐसे ऑन ऑफ ऑन ऑफ, बट ये कुछ चेंज है। आप इनके पीछे ना लेग जो इनकी है ना पॉइंट्स, ये भी आपको ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। ये होते हैं स्लाइडर, क्या होते हैं स्लाइडर स्विच, ये स्लाइड करते हैं ना इस वजह से। ये देखिए, इनकी पोजीशन होती है, ये कुछ ये कॉमन होता है, अगर इधर करेंगे तो ये पॉइंट ऑन होगा और उधर करेंगे तो वो पॉइंट ऑन होगा, सेंटर में होगा तो ऑफ होगा। ठीक है ना, यहाँ पे सेंटर में, अब जब इधर करते हैं सब इधर वाला पॉइंट ऑन, इधर दोनों ऑफ, जब इधर करेंगे तो इधर वाला पॉइंट ऑन। ये ना जस्ट अपने मुताबिक जो काम लेना हो उसमें इस्तेमाल होती हैं। ठीक है ना, इनके इनकी भी डिफरेंट साइज और टाइप्स होती हैं। देखा, ये बहुत बड़ा है, उम्मीद है कि नजर आ रहे होंगे आपको। सो कुछ हमारे पास ये आते हैं पुश बटन, पुश स्विच, जस्ट जब दबाएंगे तब ऑन होंगे, जस्ट छोड़ेंगे ऑफ हो जाएंगे। लेकिन इसके अंदर भी कैटेगरी होती है, वो शायद अवेलेबल नहीं है। तो ये भी पुश बटन है, ये भी है पुश बटन, दबाया ऑन छोड़ा ऑफ। बट ये ना ये स्पेशल एप्लीकेशन में इस्तेमाल होते हैं, जैसे 3D प्रिंटर, CNC और ऐसी मशीनरी जिसमें ना ऑटोमेटिक कट ऑफ या ऑन ऑफ कोई चीज़ कराना हो, सेंसर वगैरह ऑन कराना हो या ऑफ कराना हो, मोटर को रोकना हो, ये फीडबैक के तौर पर ये उसमें यूज होता है। इसे कहते हैं कि इसे कहते हैं पुश लिमिटिंग स्विच, ये लिमिट स्विच है। ठीक है ना, तो इनकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, डिफरेंट साइज और डिफरेंट कलर में अवेलेबल है मार्केट में। तो आज की वीडियो बस इतनी ही है इसके बारे में ही। हाँ, जो करेक्टर्स हैं फिलहाल हमारे पास यही अवेलेबल है जो आपको नज़र आ रहे हैं इस वीडियो में। इंशाल्लाह मज़ीद जब वो जैसे यूज़ करते जाएंगे करेक्टर्स को, उसमें आपको दिखाते जाएंगे। क्योंकि बोला करेक्टर्स के ना आगे साइज में भी डिफरेंट है। ये देखें, ये भी 3 पिन है, ये भी 3 पिन है, बट इनका साइज आपको ना छोटा बड़ा नजर आ रहा होगा, वो इसलिए क्योंकि एप्लीकेशन के हिसाब से होता है। तो इसलिए ये हाई वोल्टेज एंड हाई करंट
एप्लीकेशन में इस्तेमाल होता है, ब्लैक वाला हर कलर में अवेलेबल होता है, मुख्तलिफ मल्टी पेज में अवेलेबल होता है, ठीक है ना। इसीलिए ना जैसे आप जरूरत हो वैसे आप परचेज कर सकते हैं मार्केट से। और ये भी ऐसे डिफरेंट ट्रेडिंग में आते हैं एम्पेयर वोल्टेज, तो ये भी ऐसे ही छोटी एप्लीकेशन है। आपने अक्सर बचपन में देखा होगा एक हमारे घर लाइट आती है चार्जिंग लाइट, उस पर लगा होता था दबाते थे ऑन दबाते थे ऑफ, ठीक है ना। इसी तरह स्लाइडर से भी आपको अक्सर ना वो रिमोट कंट्रोल गाड़ी में देखने को मिलते थे उनके रिमोट रिमोट्स में, ठीक है। छोटे छोटे जो बड़े हैं छोटे छोटे लगे होते थे, आप गाड़ी को पहले ऑन करके छोड़ देते थे फर्स्ट पर, फिर आप उसके रिमोट को ऑन करते थे और फिर उसको कंट्रोल करते थे, सिंपल। यार ये हर एप्लीकेशन में उसका अपना फंक्शन है, अपनी फंक्शनैलिटी है, डिफरेंट इसका यूज है, ठीक है। परेशान नहीं होना इसका, आप गाइड करते रहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स आपको सिखाएंगे, ओके। ये पूछो बताना है, इसका भी मुख्तलिफ यूज है, आपको बता चुका हूँ। जैसे जैसे इनका यूज आगे होगा सो आपको करके दिखाएंगे। तो आज की वीडियो बस यहीं तक ही है, और मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, घर पर रहें और सेफ रहें।